नमस्ते, मैं राजनंदिनी उमाकांत पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र। यहाँ से ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में एडमिशन मैंने लिया है। मैं स्टडी पैलेस हब इस कंपनी के थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ, और अभी तक जितने दिन हम रुके हैं और अभी उन्होंने जितना हमें वादा किया है उस पे से हमको पूरा उन पे ट्रस्ट बैठ गया है। मेरे पेरेंट्स भी आए मेरे साथ, वो अपना भी एक्सपीरियंस बताएंगे। नमस्ते, मैं संजय पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। स्टडी पैलेस हब ये कंपनी की ओर से मैंने मेरी लड़की का एडमिशन रशिया के ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में लिया है। स्टडी पैलेस हब ने मुझे बहुत सारे बातों का खुलासा करके दिखे, मुझे बहुत सारे जो सवाल थे उनके अच्छे से जवाब दिया, और उन्होंने जो जो बताया था कि बच्चों की हम ऐसी व्यवस्था करते हैं, वैसा करते हैं, हमारा हॉस्टल ऐसा है वैसा है, वो तो सभी बातें उनके सही है। यहाँ पे उनका पर्सनल हॉस्टल है, जिस हॉस्टल के अंदर बॉयज का अलग फ्लोर, गर्ल्स का अलग फ्लोर, उनके लिए अलग से किचन, उसके लिए सभी व्यवस्था, किचन में सब व्यवस्था की हुई है, बर्तन है, गैस है, फ्रीज है। बच्चों को यहाँ पर कुछ भी तकलीफ नहीं है। मैं 10 दिन से यहाँ पर हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। स्टडी पैलेस हमने जो जो वादा मुझसे किया था कि हम बच्चों की ऐसी केयर करेंगे, बच्चों की तरफ हमेशा ध्यान रखेंगे, बच्चों की ऐसी व्यवस्था रखेंगे, सभी तरह से स्टडी पैलेस हमने, उनके टीम ने सभी व्यवस्था अच्छी की है। उन्होंने अपने इंडियन बच्चों के लिए स्वाद होटल की शुरू किया है, जिसके अंदर अपना इंडियन टेस्ट उनको मिलता है, इंडियन सब खाना मिलता है। उसी तरह से अभी फिलहाल जो रशिया यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है उसके बारे में जो अपन थोड़ा सोच रहे या देख रहे टीवी पे, तो मैं आज 10 दिन से यहाँ पर हूँ, मुझे कहीं पर भी कुछ गलत नहीं दिखा, ना तो उस जो वार चल रहा है उसका कोई असर इसके ऊपर दिखा। यहाँ पर मैं दिल्ली से मॉस्को आया, मॉस्को से ओरेनबर्ग आया, कोई भी एयरपोर्ट पे कुछ भी ये वॉर का कुछ भी असर नहीं था। पब्लिक, यहाँ के लोग, अपने इंडियन लोग अच्छे से आराम से आना जाना कर रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं कोई भी जगह पे। और मैं अभी 10 दिन से ओरेनबर्ग में हूँ, यहाँ पर भी मैं पूरी सिटी घुमा हूँ, यहाँ पर हर चीज, हर अलग अलग जगह पे जाके आया हूँ। यहाँ के लोग बहुत आराम से खुश है, कुछ भी कहाँ पर भी गलत नहीं है। और मैं स्टडी पैलेस हब को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे जगह, इतने अच्छे कॉलेज के बारे में बताया, जो मैंने यहाँ पर मेरी लड़की का एडमिशन कराया। आज अभी उसका फर्स्ट ईयर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 साल वो यहाँ पर पढ़ेगी, और ओरेनबर्ग ये कॉलेज भी अच्छा है, यहाँ की स्टडी भी अच्छी है, यहाँ के रूल्स भी अच्छे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स है। मेन बात है यहाँ के लोगों को रूल्स में रहना ही पसंद है। तो मैं स्टडी पैलेस को वापस एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ओरेनबर्ग या जो भी कंसल्टेंट उन्होंने बताया। उनकी खास बात है कि कंसल्टेंसी फीस भी बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि इनसे किसी कंसल्टेंट की फी कम होगी करके। स्टडी पैलेस की जो फीस लेते हैं कंसल्टेंसी की वो बहुत कम है, और बच्चों को दिल्ली से ओरेनबर्ग तक आराम से लेके आते हैं, कोई तकलीफ नहीं। बच्चों के साथ हर टीम के साथ उनके 2-3 मेंबर रहते ही रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद भी 8-10-15 दिन वो खुद बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों की अच्छे से देखभाल करके उनके लिए यहाँ का सिम कार्ड देना, यहाँ का बैंक का अकाउंट ओपन कर देना, यहाँ के कॉलेज दिखाना, कॉलेज के टीचरों से मिलवाना, यहाँ पे उनके लिए जो लगने वाला सामान है वो खरीदी करके देना, ऐसी बहुत सारी हेल्प स्टडी पहले सबकी टीम यहाँ पे कर रही है। 10 दिनों से हम उनकी सब भागदौड़ देख रहे हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छे से लेके आए, और मैं मुझे विश्वास है अभी 10 दिन यहाँ पे रह के देखने के बाद कि मेरी लड़की यहाँ पर सेफ रहेगी, उसको कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि अभी मैं 6 साल तक नहीं भी आऊँ तो भी मेरी लड़की यहाँ पर सेफ, खुश और बढ़िया रहेगी, ऐसी व्यवस्था स्टडी पैलेस हब ने यहाँ पे किया हुआ है। इसके लिए मैं स्टडी पैलेस हब की पूरी टीम का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू।